नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ की हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये चार पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनके आने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा, वे स्वयं नहीं आए। तब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, साथ ही साथ अपनी विरह यानी दुख दर्द को भी बताती हैं। तो चलिए पहला पद शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली भाग्यवान। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ ना जाए, स्नेह से प्यार से। तगा का अर्थ होता है धागा, बंधन। नाहिन का मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी यानी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, उनके प्रेम का छाप तुम्हारे मन में नहीं पड़ा। यानी कि गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, श्री कृष्ण के प्रेम का एक धागा भी तुम्हें नहीं छू पाया। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरेनी पात का मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर मतलब वो जल के भीतर ही रहते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, ता मतलब तो भी, रस मतलब पानी जल, देह मतलब शरीर, न मतलब नहीं, दागी यानी दाग धब्बा, यानी कि कमल का पत्ता जो है वो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी उसे छू भी नहीं पाता, यानी कि उसके शरीर पर पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाया है। इस तरह गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर। ज्योजल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और इसी प्रकार एक और उदाहरण दे रही हैं कि ज्यों का मतलब जैसे, जल माह मतलब जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा, जिस घड़े पर तेल लगा हो उस घड़े को अगर जल के अंदर डाल दे, बूंद न ताको लागी, तो उसको एक बूंद भी पानी की नहीं लगती। ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगती, बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती, छू नहीं पाती, जिस प्रकार तेल से लिप्त घड़े को जल के अंदर डुबाने पर भी उसको जल की एक भी बूंद नहीं छू पाती, उसी प्रकार तुम भी हो, क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी अभी तक तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोरेओ मतलब डुबाना, परागी मतलब मुग्ध होना। फिर सूरदास कह रहे हैं, अभी तक लगता है तुमने प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण जी के प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाई है। यानी कि तुम अभी तक उनके रूप में मुग्ध नहीं हो पाए हो। हर वक्त कृष्ण के साथ रहते हो तब भी तुम अब तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। सूरदास जी ये कहते हैं कि गोपियाँ ये कहने लगी, अबलाहम भोरी, अबला मतलब जिनमें कोई शक्ति न हो, कमजोर जो होती हैं, भोरी मतलब भोली, वे कहती हैं हम तो अबला और भोली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। गुर चाटी ज्यो पागी, गुर मतलब गुड़, चाटी यानी चीटी, पागी मतलब चिपटना या लिपटना। यानी सूरदास, हम जो नारियां हैं, जो स्त्री हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा भोली हैं, हम तो उसी चीटी के समान है जो गुड़ से चिपट जाती हैं या चिपक जाती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं, हम उनके प्रेम में मुग्ध है। हम चाहें तो भी कृष्ण के प्रेम को अपने से अलग नहीं कर पाएंगी,
जब गुड़ से चींटी चिपक जाती है तो वह चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपट जाती हैं तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं और चाहें तो भी हम उनको अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। वास्तव में गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव जो है वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। अब दूसरे पद में चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ होता है अंदर। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं हमारे प्रेम की भावना तो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। अब उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, आवन मतलब आना आगमन किसी का आना, बिथा का मतलब होता है दुख दर्द। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि हम इतने ज़्यादा समय से इसी आशा में जी रहे हैं कि जल्दी ही श्री कृष्ण आएंगे और इसी के कारण हम इतने दुख दर्द सह रही हैं। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी बिरहिणी बिरह दही, संदेशिनी का अर्थ होता है संदेश और बिरहिणी बिरह दही का अर्थ है इंतजार की आग में जलना। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो, तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी इंतजार की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत्तय धार बही। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे चाहती हैं, चाहती मतलब चाहना, हुती मतलब थी, वे चाहती थी गुहार लगाना मतलब पुकारना, जहाँ से वो पुकारना चाहती थी। जितही तय मतलब जहाँ से वे चाहती थी कि रक्षा करने के लिए पुकारे, यानी कि श्री कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी कि वे आ जाएंगे। उत्तय धार बही, वहीं से, उत्तय मतलब वहीं से, धार बही योग संदेश की धारा बह निकली, यानी कि श्री कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी कि वे आकर उनकी विरह वेदना को दुख दर्द को शांत करेंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की जो धारा बहा दी है वो उसमें बह गई है, यानी कि उनके दुख को श्री कृष्ण ने ना आकर और भी और योग संदेश को भेजकर उनकी दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादा न लही। धीर मतलब धैर्य, मर जादा माने मर्यादा। सूरदास जी अब कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं अब धीर धर ही क्यों, यानी अब धैर्य को क्यों धारण करें, मर जादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है। श्री कृष्ण को प्रेम के मर्यादा के अनुसार आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर जो प्रेम की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है, तो अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, यानी कि अब हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी है, प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। इस प्रकार से गोपियाँ अपनी विरह वेदना को उद्धव से बता रही थीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पद 3 और 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।